वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल चिल्ड्रन। वीडियो को देखते ही लाइक कर देना, मैं तीन तक काउंट करूंगा, प्लीज लाइक कर देना। 1, 2, 3। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन मिलते जाए। चिल्ड्रन, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा संगीन है, थोड़ा सा सीरियस है। थंबनेल आपने देख लिया है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, आज मैं तुम सबसे हाथ जोड़ के दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं पूरी बात आपको बताऊँ चिल्ड्रन, एक वादा मुझसे कमेंट सेक्शन में करो, तुम्हारा रिजल्ट कैसा भी आए, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चले, तुम यार अपने दिल में, अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं लाओगे। और अगर कोई भी नेगेटिव ख्याल आता है तो याद है ना, हमने थ्री इडियट्स मूवी देखी थी, तो रेंचो अपने दोस्त के वॉलेट में उसके मम्मी पापा का फोटो रखवाता है। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में अगर कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो प्लीज बस अपनी मम्मी के बारे में, अपने पापा के बारे में बस एक सोच लेना कि वो मेरी माँ, जब मैं ट्यूशन से 30 मिनट्स लेट हो जाता हूँ उसी में मेरी मम्मी की हालत खराब हो जाती है, और अगर मैं कोई ऐसा स्टेप उठाती हूँ तो क्या होगा, ये सोच लेना। चिल्ड्रन आपको पूरी बात बता रहा हूँ इस छोटे से अपडेट के बाद। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइनअप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकेंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी बात बताऊं, मुझे आपसे दो कमेंट चाहिए। पहला कमेंट इस वीडियो में ये चाहिए कि भैया अगर आप मुझे कुछ मानते हो कि भैया कुछ भी होगा यार, कैसा भी रिजल्ट आएगा कुछ भी होगा, लेकिन ऐसा दिमाग अपने ख्याल में नहीं रहूंगा। अगर आप मुझसे प्रॉमिस करते हो तो लिख देना आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट एनी रॉन्ग थॉट कम इन my माइंड। मेरे दिमाग में कोई रॉन्ग ख्याल मैं आने ही नहीं दूंगा, मुझसे वादा करो, कमेंट में लिखो। चिल्ड्रन ये कल की घटना है, 5 तारीख की, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम की, जहाँ पे +1 की एक बच्ची जिसका नाम जीवा है उसने सुसाइड किया है। और अगर मैं आपको बताऊंगा सुसाइड का रीज़न क्या है तो तुम ये कहोगे कि सर पता हो इतनी छोटी छोटी बातों पे ऐसी जो स्टूडेंट हैं आज के इतने ज़्यादा मतलब प्रेशर में चले जाते हैं, उसने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा है क्योंकि मुझे फ़ोन का एडिक्शन हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल पे टाइम बिताने लगी हूँ। और ये हालांकि पुलिस इस बात से मना कर रही है, पुलिस कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। चलन आप सोचो क्या ये सही है, क्या बच्चा सही दिशा में जा रहा है, उसकी कंपनी कैसी होगी, उसके साथ लोग कैसे होंगे, शायद वो किसी से नाराज है, क्या है और उसने ये स्टेप ले लिया। और 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं चिल्ड्रन, भले से हमारे मीडिया में, हमारे न्यूज़पेपर्स में ये छाया रहता है कि फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, फार्मर्स ये कर रहे हैं, ठीक है, जय जवान जय किसान, चलो मैं उस वाले मामले को मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक बड़ा इश्यू नहीं है, वो सॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है हमारे कंट्री में फार्मर से ज़्यादा जो सुसाइड करते हैं वो स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन कोई इस बात को नहीं उठा रहा। CBSE, मैं आपको हर वीडियो में टैग कर रहा हूँ और सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह से हमने 2 साल से बिना एग्जाम लिए बच्चों को पास किया है, इस साल प्लीज़ मान जाओ और बेस्ट ऑफ ईदर टर्म पे रिजल्ट बना दो। चिल्ड्रन अगर आप मेरी इस बात से अग्री हो, मैंने आपसे कहा था कि 2 रिक्वेस्ट, पहली रिक्वेस्ट कोई भी नेगेटिव ख्याल नहीं आएगा, अगर मेरी बात से अग्री कर रहे हो, मेरे इस मुहिम में शामिल होना चाहते हो तो यार तुम्हारे हाथ नहीं टूट जाएंगे इस वीडियो को शेयर करने में, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं कमेंट करने में। वी वांट बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स, पूरी जगह फैला दो, हमें इस बार वाले बच्चे को फेल नहीं होने देना। अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे साथ वीडियो में खड़ा हूं, तुम्हारी बात को रख रहा हूं
और कमेंट कर देना, एक भी बच्चा बचे ना जो ये ना लिखे आई वॉन्ट बेस्ट ऑफ ईदर टर्म। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, जहां पे भी ग्रुप में शेयर करो और लोगों को अवेयर बनाओ, हमें चाहिए वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ ईदर टर्म।